बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी मोहम्मद अकबर, एडवोकेट। आज मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कानूनदान 78 के तवज से बताना चाहूँगा कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, जिसको हम मुख्तार आम कहते हैं, वो क्या होता है, इसके रजिस्टर कराने के क्या नफ़ा है या क्या नुकसान हो सकता है बंदे को, और जो बंदा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसको किन एहतियातों का ख्याल रखना चाहिए, और उसको इसका पता भी होना चाहिए कि जो मैं ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को दे रहा हूँ या किसी और आम आदमी को दे रहा हूँ, इसका क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये 1200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर तहरीर किया जाता है, और इसकी तहरीर जो है, तहरीर इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वो वसीका नफीस के पास जाएं, आप ख़ुद भी इसको तहरीर कर सकते हैं। और इसकी तहरीर के लिए ज़रूरी होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में जो अख्तियारात किसी दूसरे बंदे को तफवीज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर कॉस्टली होते हैं। मसलन इस जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी में आप किसी प्रॉपर्टी को बेचने का अख्तियार दे सकते हैं, आप किसी गाड़ी को बेचने का अख्तियार दे सकते हैं, आप किसी ज़मीन को बेचने का अख्तियार दे सकते हैं, और इसी तरह आप किसी कोर्ट में किसी बंदे को पेश होने के अख्तियार दे सकते हैं, और इसमें वो सारे अख्तियार होते हैं और वो कुल्लू हम उस अख्तियार गृंदा के पास चले जाते हैं, वो आपकी तरफ से जिससे मुतलक, जिस चीज़ के मुतलक, जिस प्रॉपर्टी के मुतलक आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, वो आपसे वो अख्तियार दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब दूसरे बंदे की वो मर्ज़ी होती है कि वो उन अख्तियारात को इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन अगर वो उनको इस्तेमाल करता है, जैसे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी दूसरे शख्स को दे दिया है, अब वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको अख्तियार हासिल है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को बेच दे, आपकी प्रॉपर्टी को लीज पे दे दे, आपकी प्रॉपर्टी को किराए पे दे दे, वो उसके अख्तियार में है, वो सारे पैसे वसूल करने का जिम्मेदार होता है। आप उसमें इस हवाले से उसको ऐसे नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि इब्ताल नामा रजिस्टर कराएं। वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इब्ताल नामे के हवाले से बयान करूंगा और बताऊंगा कि वो कैसे रजिस्टर होता है और कैसे ये अपना मुख्तार आम जो है वो कैंसिल करवाया जा सकता है। अब बात यूँ है कि इसमें चूँकि जनरल अख्तियार दिए जाते हैं किसी प्रॉपर्टी के हवाले से या किसी ज़मीन के हवाले से, कि मैं फलां फलां ज़मीन जो है उसकी बकायदा एक फर्द या रजिस्ट्री की कापी साथ लगाई जाती है कि तहरीर के दौरान, और उसको तहरीर को अपना लिखने के बाद इसका पूरा एक सेट तैयार होता है, और सेट तैयार होने के बाद इसको रजिस्ट्रार के रूबरू पेश किया जाता है, और रजिस्ट्रार इसमें सारे डॉक्यूमेंट की जाँच पड़ताल करता है, और अगर आप इन पर्सन पेश हो रहे हैं तो वो इन पर्सन पेश हो के आप रजिस्ट्रार जो है अपनी मौजूदगी में आपसे साइन अंगूठे करवाएंगे और वो मुकम्मल हो जाता है। दूसरी सूरत इसमें यह है, जैसे कि आजकल लाहौर में होता है कि जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है जब पेश किया जाता है तो वज़रिया एडवोकेट पेश किया जाता है, एडवोकेट बतौर एहल कमीशन उसमें मुकर्र होता है, और फिर वो उस एहल कमीशन की ये अपना उसके लिए ज़रूरी होता है, यानी ये एक उसकी ड्यूटी होती है कि वो जहाँ पे इख्तियार दहिंदा है उसके घर में जाए, वहाँ से उससे साइन अंगूठे करवाए, और फिर वो मुकम्मल सेट तैयार करके वो रजिस्ट्रार साहब के पास पेश करे, और जो वो पेश करेगा रजिस्ट्रार साहब उसको दर्ज कर लेंगे, और एक हफ्ते के बाद आपको वो जो है सर्टिफाइड कापी है वो बजरिया जो एहल कमीशन है वो आपको मिल जाती है। इस तरह से आपका ये प्रोसेस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का कंप्लीट हो जाता है। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के चूँकि इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, अगर आपने गलती से किसी को दे दिया है तो इसका आपको नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा ये बड़े एहतियात से और सोच समझ कर देना चाहिए, और बड़े इत्माद वाले आदमी को ऐसा अख्तियार देना चाहिए कि जिस पर आप फुल इत्माद करते हों, चूँकि इसकी बिहाफ पे ये इस मुख्तारनामा की बिहाफ के बिहाफ पे जिस प्रॉपर्टी के मतलब या जिस मकान के मतलब या जिस प्लाट के मतलब आप दे रहे हैं
उसके पास फुली अख्तियार होते हैं कि वो किसी को बेच दे, पैसे खुद अपनी जेब में डाल ले, या वो उसको लीज़ पे रख दे, या वो उसको किराए पे दे, क्योंकि आपने अपने पूरे अख्तियार उसको तफवीज़ कर चुके होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैंसिलेशन के हवाले से इस पर बात करेंगे। लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।